मैं कहता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो निकल के आई है, जो कि है इंडियन नेवी अग्निपथ अग्निवीर स्कीम है, जो कि नेवी SSR एंड MR 2023 वैकेंसी के बारे में बात करें। हम इसमें बात करेंगे टोटल पोस्ट कितनी है, अप्लाई डेट्स कब होगा, इसकी फीस, क्वालिफिकेशन, इन सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम इसमें बात कर लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फीस, जो कि जनरल OBC EWS के लिए ₹550 है, वहीं पर SC ST की बात करें तो यहाँ पर भी ₹550 है। वहीं पर अप्लाई डेट की बात करें तो 29 मई 2023 लास्ट डेट है, 15 जून 2023 लास्ट डेट है। वहीं पर फीस को पे करने के लिए 15 जून 2023 तक ही दिया गया है। दोस्तों और हम बात कर लेते हैं, इसमें तो एडमिट कार्ड, मतलब जब अनाउंस होगा पेपर कब होगा तब एडमिट कार्ड आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी पेंडिंग में है। वहीं पर बात कर लेते हैं यहाँ पर एज की, तो एज जो कि है नेवी SR के लिए 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006 तक काउंटर की जाएगी। वहीं पर नेवी MR की बात कर ले, वहीं तो यहाँ पर है 1 नवंबर 2002 से यहाँ पर भी 30 अप्रैल 2006 तक है, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर यह बैच रूल्स के हिसाब ही है। और इसके नीचे हम बात कर ले तो इसमें वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं तो 1465 पोस्ट वैकेंसी निकल के आई है। और यहीं पर मेल और फीमेल दोनों के लिए है, जो कि हम आपको वीडियो में बताएंगे कितनी मेल और कितनी फीमेल के लिए सीट हैं। तो यहाँ पर अग्निवीर SR के लिए 1365 सीटें हैं टोटल। वहीं पर अग्निवीर MR के लिए 100 सीटें हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 होना चाहिए और उसके साथ फिजिक, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए सब्जेक्ट, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस भी होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर MR के लिए 10 पास एग्जाम होना चाहिए इसमें भी। वहीं पर हम बात कर लेते हैं अब इसके आगे तो देख सकते हैं हाइट के बारे में। तो हाइट यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि नेवी अग्निवीर की हाइट जो है 157 सेंटीमीटर मेल के लिए, 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है। वहीं पर नेवी अग्निवीर रनिंग जो की बात के लिए, रनिंग तो 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है मेल के लिए, और 1600 मीटर 8 मिनट में फीमेल के लिए पूरा करना है। वहीं पर 20 बार मेल के लिए पुशअप, फीमेल के लिए 15 मिनट बार 20 टाइम दिया जाएगा। और वहीं पर हम बात करते हैं पुशअप, सॉरी पुशअप यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर 12 बार दिया गया है मेल के लिए ओनली। वहीं पर अग्निवीर किनी सीट ऊपर अप्स की बात करें, स्टप्स की बात करें तो 10 बार दिया गया है सिर्फ फीमेल के लिए। और इसके नीचे और अब बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या आईडी लगेगी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ, एडेड डिटेल, बेसिक डिटेल देना होता है जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ इत्यादि, इन सब के बारे में देना होता है। और यहाँ पर आप लोग जाकर sarjaijail.com पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक दी गई है। आपका ऑफिशियल वेबसाइट से आपको और जानकारी देते हैं या मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी के बारे में दिया गया, जिसमें से 1365 मेल के लिए है, 273 फीमेल के लिए यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और वहीं पर एजुकेशन की जॉब के बारे में बताया ही है, 10+2 होना चाहिए। यहाँ आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद। यहाँ पर सिलेबस की हम बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेंगे,
जिसमें से इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे क्वेश्चन, जिसमें से इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक और जनरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर 10+2 सिलेबस के हिसाब से रहेगा। वहीं पर 1 घंटे का समय दिया जाएगा, कंप्यूटर वाइज आप लोगों का एग्ज़ाम होगा दोस्तों। और बात कर लेते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगी एक गलती पर। वहीं पर फीस तो आप लोग को बता चुके हैं, आप लोग और भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम सैलरी की बात कर लें दोस्तों, तो सैलरी आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए 30,000 दिया गया है मंथली। दोस्तों यहाँ फीस कल को आप लोगों को तो हम बता ही दिए, अब इसके आगे आप लोग और अपने से खुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर और देख सकते हैं आइस के बारे में दिया गया है विथआउट ग्लास के, तो यहाँ पर बेटर आइस 6x6 और रॉन्ग आइस पे तो 6x9 होना चाहिए, वहीं पर विथ ग्लास पर 6x6 और वार्स आइस के लिए 6x6 इसमें दोनों दिया गया है। और ट्रेनिंग की बात करें तो देख सकते हैं ट्रेनिंग आपकी 23 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं क्या क्या लगेगा। दोस्तों यह हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। दोस्तों आप सभी लोग आप वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।